ये हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक मछलियाँ, जिनके करीब जाना आपको महंगा पड़ सकता है। सॉफिश। जिस तरह लकड़ी को चीरने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही अन्य मछलियों को बीच से चीर देने के लिए ऊपर वाले ने सॉफिश को एक आरी जैसा नाक दिया है। सॉफिश दुनिया भर के समुद्री पानी में पाई जाती है। शार्क फैमिली से जुड़ी इस मछली की लंबाई हैरतअंगेज रूप से 23 फीट तक हो जाती है और इसको ज्यादा उकसाए जाने पर यह प्राण घातक भी साबित हो जाती है, क्योंकि सॉफिश अपनी आरी जैसी नाक का इस्तेमाल तलवार की तरह करती है, जिसके प्रहार से इसके शिकार बच नहीं पाते और देखते ही देखते दो टुकड़ों में बट जाते हैं। कैंदिरू। कैंदिरू मछली बोलीविया, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों की नदियों में पाई जाती है। इसका आकार 40 सेंटीमीटर से भी कम होने के बावजूद इसे एक बेहद खतरनाक मछली की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि भैया इसका कारनामा ही कुछ ऐसा है। दरअसल कैटफिश प्रजाति की यह मछली अमोनिया की गंध की तरफ आकर्षित होती है, जिसकी मात्रा इंसानी पेशाब में भी पाई जाती है। ऐसे में नदियों में तैर रहे इंसानों या फिर पेशाब कर रहे लोगों के शरीर में यह मछली मूत्र मार्ग से प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये अंदर से अंगों को खाना शुरू कर देती है, जिसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि कैंदिरू इंसानी दिमाग तक भी पहुंच गई और इंसान कोमा में चला गया। तो हमारी तो यही सलाह है, कृपया किसी नदी में मूतने से पहले जरा कैंदिरू के बारे में सोच लेना। इलेक्ट्रिक ईल। शायद ही कोई इंसान पानी में मस्ती करते हुए अचानक 600 वाट के करंट का झटका खाना पसंद करेगा। खैर कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन ऐसी हिमाकत इलेक्ट्रिक ईल कर सकती है। जी हाँ, यकीन मानिए ये मछली पानी में रहते हुए भी अपने शरीर में बिजली लिए घूमती है। इलेक्ट्रिक ईल नामक ये मछली अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती है। बता दे, बिजली का ये झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स में होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो उस सेल की बाहरी सतह पर मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 वाट का बिजली का झटका उत्पन्न कर सकती है, जो कि एक घोड़े तक का शिकार करने के लिए काफी है। स्टोनफिश एक काफी जहरीली मछली है। ये दिखने में किसी पत्थर जैसी दिखाई देती है और इसका ऊपरी खोल भी लगभग पत्थर की तरह सख्त होता है। इसके इसी छलावरण के कारण आप गलती से इसके ऊपर अपना पांव रख सकते हैं, जिसके बाद स्टोनफिश अपना जहर आपके शरीर में पहुंचा देगी। और अगर आप एक बार इस मछली के जहर के संपर्क में आ गए तो समझिए मौत निश्चित है। स्टोनफिश का ये जहर इसकी पीठ पर मौजूद कांटों से निकलता है। इसकी एक खूबी ये भी है कि ये 24 घंटे तक पानी से बाहर भी जीवित रह सकती है। ऐसे में समुद्री किनारे पड़े पत्थर पर पांव रखने से पहले जरा एक बार सोच लीजिए, कहीं ये स्टोनफिश तो नहीं। पिराना। शायद ऐसा कोई शख्स होगा जिसने आज तक पिराना नामक इस खौफनाक मछली के बारे में ना सुना हो। आकार में छोटी होने के बावजूद इसके तेज नुकीले दांत, आक्रामक व्यवहार और झुंड में शिकार करने की प्रवृत्तियों के कारण हर कोई इस मछली से दूर रहना चाहता है। इन छोटी मछलियों के पास तेज दांतों के साथ साथ शक्तिशाली जबड़े भी होते हैं, जिनकी मदद से अपने शिकार के शरीर से कुछ ही मिनट्स में पूरा मांस अलग कर देती है और पीछे रह जाती है महज हड्डियां। हालांकि इसे इंसानों के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं माना जाता, क्योंकि पिराना महज अन्य मछलियों को अपना भोजन बनाती है। बता दे, शार्क्स की तरह ये मछली भी ब्लड की स्मेल से आकर्षित होती है। दुनिया भर में पिराना की 20 प्रकार की प्रजातियां मौजूद है और इनमें से आज तक की सबसे बड़ी पिराना 2 फीट लंबी मापी गई है। ग्रेट व्हाइट शार्क। दुनिया की सबसे खौफनाक मछलियों की बात चल रही हो और ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है।
ग्रेट व्हाइट शार्क कितने खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको लेकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि ये वैसी किलिंग मशीन भी नहीं है जैसे कि फिल्मी पर्दे पर इसको दिखाया गया है, फिर भी समुद्र की दुनिया में इस जीव का मुकाबला किसी से कम नहीं है और ना ही कोई अन्य जीव इसका शिकार कर सकता है। इसकी लंबाई 6 मीटर और वजन 1100 किलो तक हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।